बड़वानी से किसान पहुंचे उद्यानिकी विभाग सहायक उपसंचालक को सौंपा ज्ञापन, कहा ईस्ट वेस्ट के मार्शल कंपनी के द्वारा नकली भिंडी बीज दिए जा रहे हैं, जांच कर की जाए कार्रवाई। भारतीय किसान संघ के बैनर तले आज बड़ी संख्या में किसान उद्यानिकी विभाग पहुंचे, जहां उन्होंने सहायक संचालक को ज्ञापन देते हुए ईस्ट वेस्ट सीड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की मार्शल कंपनी पर नकली बीज देने के आरोप लगाते हुए शिकायत की। भारतीय किसान संघ के मीडिया प्रभारी ने बताया, बड़वानी जिले के ग्राम बालकुआ ग्राम तलवाड़ा बुजुर्ग के कई किसानों द्वारा मार्शल 133F1 नामक भिंडी बीज रबी सीजन में किसानों के खेतों में लगाया। कंपनी द्वारा किसानों को बताया कि इस कंपनी का बीज का उत्पादन दूसरी कंपनियों से ज्यादा आएगा, लेकिन मार्शल I33F का बीज का उत्पादन नहीं आ रहा है। किसानों द्वारा लाखों रुपए का खर्चा किया गया, लेकिन आज तक उत्पादन नहीं आ रहा। कंपनी द्वारा भोले भाले किसानों को गुमराह किया गया। किसानों की स्थिति बहुत कमजोर है। एक तरफ वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने कमर तोड़ी, दूसरी ओर बड़ी बड़ी कंपनियां भी किसानों के साथ नकली बीज देकर छलावा करने लगीं। आपके विभाग द्वारा भी भिंडी बीज के नमूने के सैंपल नहीं लिए गए। रबी फसल 2020-21 को पिछले साल भी भिंडी बीज संगम कंपनी का किसानों ने लगाया था, उसका भी उत्पादन किसानों को नहीं मिला। इस प्रकार की बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, किसानों को लालच देकर उनके साथ छलावा करती हैं। भारतीय किसान संघ जिला बड़वानी ने ज्ञापन देते हुए मांग की कि वो मार्शल कंपनी का भी जिन किसानों ने बीज लगाया है उनके यहाँ खेतों में जाकर सर्वे करवाया, जाकर पंचनामा रिपोर्ट बनाई तथा पंचनामे की एक कॉपी किसानों को खेत पर ही दी जाए। विभाग द्वारा एक टीम गठित की जाए, जिसमें वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख कृषि विस्तार केंद्र तलून और प्रभारी वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी बड़वानी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बड़वानी से जांच करवाई जाए। क्या बन गया आप? मेरा नाम ओम प्रकाश कागे और भारतीय किसान संघ जिला मीडिया प्रभारी हूँ। यहाँ किसानों ने नवम्बर दिसंबर में भिंडी बीज लगाया था मार्शल कंपनी का, ईस्ट वेस्ट कंपनी का। तो सैकड़ों किसानों ने बीज खरीदा था, जो अभी तक भिंडी नहीं लग रही उस बीज में। इसीलिए यहाँ पे कृषि विज्ञान इसका उद्यानी विभाग आए थे, तो यहाँ पे आवेदन दिया। क्या बताया? इन्होंने आश्वासन दिया है कि अभी दो दिन में जांच करवाते हैं। बाकी कुछ किसानों ने 8 तारीख को KVK में एक आवेदन दे के आए थे कुछ किसानों द्वारा, तो वहाँ के नीलेश जी जैन करके सर है कोई, डॉक्टर जैन, उन्होंने 22 तारीख को जाके वहाँ पे खेत पे जाके देखा। 8 तारीख का ज्ञापन है तो 22 तारीख को गए, और अभी तक आज तारीख तक उन्होंने रिपोर्ट पेश नहीं करी किसान को। अगर ये कार्रवाई नहीं करते तो क्या करोगे? अगर इन्होंने कार्रवाई नहीं करी तो हम धरना आंदोलन करेंगे। जो मतलब बीज लिए थे उनके बिल हैं सभी किसानों? सभी किसानों के पास पक्के बिल है, और सभी किसानों के यहाँ भिंडी नहीं लग रही है। ऐसे सैकड़ों किसान है जिले में, और लाखों रुपए लगा के बीज खरीदा है, जिसका अभी तक उत्पादन कुछ भी नहीं आया। इसी प्रकार एक बालकुआ के किसान ने इसी कंपनी का करेला खरीदा था गोविंद भाई ने, उसमें भी करेले ही नहीं लगे। बीज पूरा 2-4 एकड़ का लगा हुआ है भाई, के करेले नहीं लग रहे हैं। क्या मानते हैं, कंपनी फ्रॉड है? हाँ, हम तो यही मान रहे हैं कि कंपनी ने नकली बीज दिया है या कंपनी फ्रॉड है। मैं विजय कुमार सिंह, उपसंचालक उद्यान, जिला बड़वानी। सर, कुछ किसान आए हैं अपनी शिकायत लेकर जो बीज उन्होंने लिया था खराब होता है। जी, ये भारतीय किसान संघ के एक मतलब किसान आए हुए हैं, उन्होंने ईस्ट वेस्ट कंपनी की भिंडी की बीज की मतलब खराब होने की शिकायत की है, तो ज्ञापन प्राप्त हुआ है, और इसके संबंध में हम एक कमेटी बना करके इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराएंगे, और जो भी होगा उस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। सर, अपनी तरफ से किसानों को क्या जागरूक किया जा रहा है कि किस तरह से बीज? विभाग द्वारा हम ये कहते हैं कि जो भी जो कंपनी प्रमाणित है आप उससे लें, और जिस कंपनी का आप बीज ले रहे हैं उसका जो है आप बिल जरूर प्राप्त करें, और बाजार में जो है देख परख कर की बीज जो है मतलब आप दुकान से ले रहे हैं। दो साल पहले भी ऐसी समस्या आई थी सर, उसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दो साल पहले ग्राउंड फोन का आया था, तो कमेटी जाँच की थी, तो उसमें ये पाया गया था कि जो है मतलब कुछ एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस में दिक्कत थी, और बीज वो मतलब सही था एज पर कमेटी के मान से। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।